लेकिन गाइस आप सभी को ईद मुबारक। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शेर खुरमा। इसके लिए मैंने तपेली रख दी है गैस पर और अब मैं इसमें डालूँगी दूध। तो ये है मेरा 2 लीटर दूध का शेर खुरमा। चिकले में किमाने से रंगी बनाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दूध उबलने के लिए छोड़ी हूँ। अब हम मिलेंगे जब दूध थोड़ा सा उबल जाएगा तब। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा दूध अच्छे से पक रहा है और अभी इसमें उबाल नहीं आया है। इसे हम स्टर करते रहेंगे ताकि नीचे दूध चिपके ना। तो हम देख सकते हैं हमारा दूध इतना अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप शक्कर डालें। यह इलायची छोटी हुई थोड़ी सी, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा दूध अच्छे से पक रहा है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। जितना आपको चाहिए जैसा आपको चाहिए आप वैसा डालें। अब हम ड्राई फ्रूट्स के साथ अपने दूध को पकाएंगे। ना ज़्यादा कम रहे ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही रहे ड्राई फ्रूट्स, मीडियम रहे। तो ड्राई फ्रूट्स ही बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा दूध अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ मेरी सेवइयाँ। तो जितना आपको चाहिए उतना आप डालें, ज़्यादा कम भी ना हो ज़रा भर के भी ना हो, मीडियम के हिसाब से डालें। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरी सेवइयाँ एकदम अच्छे से हो चुकी है। और अब हम स्टेज पे इसे कर देंगे बंद। अब हम इसे करेंगे गार्निशिंग, क्योंकि ये अब ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। अब हम स्टेज पर उसे बंद करेंगे और अब हम इसे सर्विंग करेंगे हमारे बाउल में। ईद है तो कैसे लगी मेरी सेवइयाँ की रेसिपी, मेरे शेर खुरमे की रेसिपी? तो जल्दी जल्दी जाए बनाए और ट्राई करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लग रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी है, फेसबुक पर भी मेरी आईडी है। तो आप जहाँ चाहे वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब अल्लाह हाफिज़। और आप सबको वापस से एक बार फिर ईद मुबारक।